अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आज जश्न ईद मिलादुन नबी है, जिसको काफ़ी अदब व एहतराम से मनाया जाता है। तो आप लोगों को जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। तो हम लोग आज का भी लोग अपना यहीं से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कहीं घूमने जाना हो या नहीं। वैसे यार मैं कहीं जाता नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है बाहर घूमना फिरना, इस वजह से मैं घर पे रहता हूँ। देखता हूँ आज कहीं जाना हो तो चले जाऊँगा। तो आज का व्लॉग हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अब चलते हैं हम लोग कुछ सामान लेने, मुझे कुछ सामान लेना है तो सामान लेकर आता हूँ मैं। मिठाई वगैरह भी लेना है तो सामान लेकर आते हैं। सामान वगैरह लेकर फारिग हो गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ सिस्टर के घर। उनके यहाँ कुछ मुझे काम है तो जा रहा हूँ मैं उनके घर। मैं आया हूँ अभी सिस्टर के घर और इसको देखे जहन का टकला हुआ है ये कल ही गंजा हुआ है। और अभी देखे माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रही है। ये मेरी सबसे क्यूट सी भांजी, पहले भी आप लोगों को मिलवाया है। और ये भी आयशा, हाय कर, हाय कर, कैसे हैं आप लोग। ये क्यूट सी बच्ची मेरी सबसे प्यारी भांजी। ये एक और मेरा प्यारा भांजा तैयार होकर आ गया। देन हाय करो, हाय देन उमर, हाय। माशाल्लाह इन दोनों को देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये लोग। दयान नहीं, उमर। खाना आ चुका है, अब हम लोग खाते हैं। खाने में है बिरयानी, बट मेरा फेवरेट चाइनीज थे, लेकिन क्या फिर भी खा लेते हम लोग बिरयानी। खाना वगैरह खा के फारिग होंगे, अब चारों किसी काम से आऊँगा फिर इंशाल्लाह कल शाम में जाएंगे घूमने। मैं गया था किसी काम से, अब मैं वापसी आ गया हूँ घर अपने। मैंने बोला चलो अपने घर चलते हैं, फिर थोड़ा सा आराम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। फिर उसके बाद इंशाल्लाह शाम में जाएंगे कहीं दोस्तों के साथ। सोकर उठ गया हूँ और अब जा रहा हूँ डैडी होने, दोस्त का भी कॉल आ रहा है तो जाऊँगा उसके साथ थोड़ा बाहर घूमने फिरने। तो अब मैं होता हूँ जल्दी से रेडी, फिर उसके बाद जाता हूँ दोस्त के पास। फ्रेश हो चुका हूँ और दोस्त की कॉल आई, अब चलते हैं उसके पास। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत सजाया गया ये। हाँ उधर से ही जाना चाहिए, चलो चलो। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत सजाया गया ये, माशाल्लाह। माशाल्लाह ये फिज़ान मदीना है, बहुत अच्छा सजाया गया है। माशाल्लाह इधर हो रही है महफिल, काफ़ी अच्छा महफिल का इंतज़ाम किया गया इधर। देखिए माशाल्लाह कितना कितनी आवाम है इधर। अभी आया हूँ, गया हुआ था दोस्तों के साथ। यार ज़्यादा नहीं घूमा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश था और वीडियो भी सही से नहीं बन पाया, क्योंकि यार इतना ज़्यादा रश था ना कि मोबाइल यूज़ करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, इस वजह से थोड़ी बहुत वीडियो बनी है। और वैसे यार मैं अगर अपने ही बताऊँ ना आप लोगों को, तो मुझे घूमना फिरना ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ, किसी के अगर रिश्तेदार के घर भी बोलो वहाँ भी नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता किसी से मिलना। और यहाँ तक कि मैं अगर अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ ना, और अगर कोई और उनका दोस्त आ जाए, वो सलाम किया, सलाम दुआ हो गया, ठीक है, फिर बातचीत नहीं करना। काफ़ी ज़्यादा मैं अपने में रहता हूँ और मुझे घर में रहना ही ज़्यादा पसंद है, बाहर वगैरह जाना इतना पसंद नहीं है। मैं इस वजह से कहीं घूमता नहीं हूँ और ज़्यादा दोस्तों के साथ बैठना उठना नहीं। रोज़ सैटरडे नाइट दोस्त लोग मैच खेल रहे होते हैं, वो लोग मुझे बुलाते हैं, मैं फिर भी नहीं जाता। मुझे बस शौक़ नहीं, एक चीज़ बस अपने में रहने का शौक़ है। और ये चीज़ है कि अगर दोस्तों के साथ भी बैठा हूँ ना मैं, अगर उनसे ज़्यादा क्लोज़ हूँ तो उनसे बात कर रहा होता हूँ, अगर मैं उनसे क्लोज़ नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, तो मैं बैठा रहता, एक होता है ना शर्मिला टाइप, मैं वो हूँ। अगर मैं किसी के ज़बरदस्ती मामा शादी पर ले जाए,
अगर मैं किसी की शादी पर जाऊं तो वहां भी मैं बिल्कुल चुप से बैठे रहता तो अपने मोबाइल में मगन, बस कोई आया अगर रिश्तेदार में सलाम कर लिया बस, ये वाला सीन होता है। अभी मेरे कज़न की भी शादी है, उसमें भी मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता। बस काफ़ी दोस्तों ने बोला है कि यार शेवी जाओ ब्लॉग बनाना, मैंने बोला नहीं यार, जो बनाना अपना बनाना, ठीक है आप जो कर रहे हो वो बनाना, कहीं जा रहे हो कुछ भी करो अपना बनाना। अब क्या मुझे बस पसंद नहीं है कहीं जाना वगैरह, तो इसलिए मैं जाता नहीं। आज भी मैं गया, इतना एंजॉय नहीं किया, बस दोस्त लोग बोल लेते तो मैं चले गया, छोटी सी वीडियो वगैरह बना ली। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो दिखाऊंगा, जाऊंगा ट्रिप वगैरह पे कहीं भी तो आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी, बट वो मेरी अपनी होगी। कहीं आना जाना दूसरों के साथ मुझे पसंद नहीं है, इस वजह से मैं आता जाता नहीं हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगी हुई, ख़ास तौर पर मेरे दोस्त देखने वाले, तो माजरत यार आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ। जैसे मैं जिससे ज़्यादा क्लोज हूँ वो तो समझ ही जाएंगे कि मैं कैसा हूँ। और एक पॉडकास्ट जो अपलोड होगा इंशाल्लाह, उसमें भी मेरे दोस्त ने मेरे बारे में बताया, उससे भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मेरे बारे में पता चलेंगी। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।